हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। और बताइए, कैसे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? बिजनेस कैसे चल रही है आपकी? दोस्तों, आपने अमेजन पर एक टर्म सुना होगा, HVS। ये क्या होता है? ये कौन सी बला है? बहुत लोगों के दिमाग में आता है। बेसिकली कंसेप्ट लिया गया है ATS के लोगों के लिए, कि जो लोग ATS कर रहे हैं उनके लिए टर्म निकाला गया है। आज बात करेंगे कि HVS होता क्या है और कैसे काम करता है। गुड मॉर्निंग, लेट्स सी, टॉपिक पर बात करते हैं। बेसिकली HVS क्या होता है? ये हाई वॉल्यूम सेलर्स होते हैं, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे कि हाई वॉल्यूम सेलर्स हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको डायरेक्ट अमेजन टारगेट करता है एज ए HVS। होता क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास में बंडल ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं सप्लायर्स के लिए और प्रोक्योरमेंट करने के लिए भी, ठीक है। साथ ही में जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर उनकी बात करें तो उनके पास भी यही सेम क्वालिटी होती है। होता क्या है कि जो छोटे सेलर्स होते हैं, तो प्रॉब्लम्स वहाँ आती है कि जब ये प्रोडक्ट तो प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं किसी भी तरीका से, लेकिन जब अमेजन पर प्रोडक्ट सेलिंग का टाइम आता है तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े ब्रांडों से ये सपोर्ट लेटर नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए अमेजन आज की डेट में क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है बिग डिस्ट्रीब्यूटर से और मैन्युफैक्चरर से, ताकि एट द टाइम ऑफ रीइंस्टेटमेंट ऑफ द योर अकाउंट दे कैन अरेंज ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड टू द अमेजन। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है HVS का, जो कि जो ATS हैं उनको टारगेट करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना अपनी बिजनेस का ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।